नमस्कार जी। आज हम आपको तीन ऐसे युवाओं से मिलाएंगे जिन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। जब मेरे से बात हुई थी तब तो कुछ इस तरह की थी कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बात करेंगे, लेकिन अब मुझे पता लगा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक हिस्सा यानी हम केंचुए से खाद किस तरह से बनाते हैं उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन देंगे, अगर मुंह ठीक ठाक से कर लो, ऐसी कोई सरकारी रिकॉर्डिंग नहीं है। आप अपने बारे में बताओ, क्या कर रखा है, क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ है। सौरभ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। किस सब्जेक्ट में? मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस और बीए मैथ ऑनर्स पंडित ने किरान कॉलेज और एमए एमबीए से। मैथ ऑनर्स करके और फिर पॉलिटिकल साइंस में चले गए और अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की हेल्प करने के लिए केंचुए का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है भाई, कहाँ मैथ ऑनर्स हुआ, कहाँ राजनीति हुई। चलो आप। नमस्कार सर, मेरा नाम अभिषेक है। मैंने एमएससी एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी से की हुई है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो और उससे करने के बाद अब ये? हाँ, उसको करने के बाद मैंने एक साल प्राइवेट कंपनी में जो केमिकल फर्टिलाइजर की होती है उनके लिए काम किया। उनका फिर रिजल्ट देखने के बाद मेरा ऑर्गेनिक की तरफ रुझान बढ़ा और मैंने रिसर्च किया। कहाँ की थी? जो मुझे याद है एक बार हमारे मुख्यमंत्री होते थे और उन्होंने कुछ एग्रीकल्चर क्या बोलते हैं एडीओ बोलते हैं, उनकी कोई डिमांड थी और वो सारे इकट्ठे होकर गए कि जी हमें ये स्केल दे दो, वो स्केल दे दो। तो जो ACS होता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उनसे उसने पूछा कि भाई ये जो लोग आए हुए हैं कृषि अधिकारी, अगर ये ना हो या इनको हम सरकारी नौकरी में ना लगाएं तो कितनी हमारी प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। तो ACS ने कहा कि सर ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि वो ये जानना चाहते थे कि जो हमारे एग्रीकल्चर पढ़े हुए बच्चे हैं, नौजवान हैं, क्या वो हमारी एग्रीकल्चर में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं या सिर्फ डिग्री धारक हैं। तो मुझे लगता है आप सही ट्रैक पर हैं और ठीक अग्रसर है। आपकी क्या? मेरा नाम मनीष कुमार है सर। मैं बीटेक सीएस हूँ और कंप्यूटर साइंस हूँ। उसके बाद मैं कंट्री वर्किंग में हूँ इंडिया मार्ट के साथ और मैं मार्केटिंग वगैरह का देखता हूँ यहाँ पे। गुड, जो भी करने के लिए। तो ये मुझे तो इसमें कुछ और ही दिखाई देता है सिवाय आपके, बाकी हम डाइवर्सिटी है और कितनी त्रासदी है ये कि जो हमने प्लान किया था वो कहीं पीछे छूट गया है, लेकिन फिर भी हमारे में जोश है और अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा मुझे बताया गया केंचुए का पालन कर रहे, तो क्या कितनी जगह पे हमने क्या कर रखा है, जरा ब्रीफ से में बताएंगे? डेढ़ किले में हमने क्या किया, ये जो केंचुआ पालन होता है कैसे होता है? सर, डेढ़ किले में लगाया हमने। पहले तो हमने 60 बेड से शुरू किया था, इसका बेड बनता है। बेड है हमारा 30 फीट बाय 4 फीट का। किस चीज का बेड बनता है? बेड बनता है गोबर का, जो हमारा कच्चा गोबर लेके उसको जो हमारा केचुआ है ऑस्ट्रेलियन वो है स्पेशली ये मेनली के उसको खाती है, गोबर को खाती है या जो सब्जी का वो हो गया पत्ते होंगे, हाँ जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उनको खाता है। तो उसका बेड बनता है और बेड आप कितना भी लंबा बना लो, हमने 30 फीट का बना रखा है। चौड़ाई उसकी 4 फीट होती है और ऊंचाई 2 फीट, 1 से 1.5 फीट। 30 बाई 4, हाँ 1.5 फुट ऊंचा मिट्टी का, नहीं गोबर का, गोबर का उसको मिट्टी से ढकते हैं शायद। नहीं सर, नहीं उसको आप ढकोगे, कोई भी ऑर्गेनिक चीज होगी जैसे धान की वेस्ट हो गया, पराल हो गया, ठीक है, या ग्रीन नेट, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो खरीद के लानी है किसान के पास, बल्कि धान का तो उल्टा हमारे लिए समस्या पैदा हो गई, उसका किया क्या है तो वो डाल दिया उसके ऊपर। फिर हम क्या करते हैं, बीज डाल दिया केंचुआ गोबर का बेड, कहाँ से लाते हो? केचुआ हमने पहली बार आपको खरीदना पड़ता है, तो हमने मेरठ से खरीदा था 300 रुपए किलो के हिसाब से। अच्छा, वो क्या होता है आपके 3 महीने बाद डबल हो जाते हैं। वो तो मुझे लगता है ऐसी फैक्ट्री है, एक बार शुरू हो गई तो वो तो बढ़ती जाती है, जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ज्यादा फिर मंडी। तो आपने करीब कितने, डेढ़ एकड़ में कितना पैसा लगाया? पहले तो हमने 60 बेड से शुरू किया था, तो एक बेड की हमारी सारी कॉस्टिंग आ जाती है करीबन 12,000 रुपए के आसपास आती है। 12-6 बेड तक, तो इतने का ही आप कितने हो गए? 60 बेड बता रहे हो ना, 7-8,000, 6-7 लाख के, चलो आप सारी चीज लगा लो 8 लाख रुपए में काम शुरू कर दिया अच्छे लेवल पे, स्केल पे जिसमें आप
बेच भी सकते हो। उसमें पानी की जरूरत भी पड़ती है, पानी की आपको मॉइस्चर रखना पड़ता है उसमें 20-25%। तो क्या कर रखा, ट्यूबवेल वगैरह है? हाँ, बोरिंग का रखा है, मोटर लगा रखी है। बोरिंग का पानी कैसा ही हो या नहीं पीने बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है, तो आपकी जमीन ग्राउंड लेवल से ऊंची होनी चाहिए, पानी वाटर लॉगिंग कंडीशन ना हो, ठीक है। दूसरा आपका पानी मीठा होना चाहिए, और तीसरा आपका गोबर अवेलेबल होना चाहिए आपके आसपास, ये नहीं कि आप 50 किलोमीटर बेसिक जरूरत ये है। और ये ऐसी जरूरत है जो आम किसान के आसपास आराम से मिल जाती है, आम किसान का घर में गांव के आसपास है तो बस इतना हो सकता है भाई, गौशाला में आपको इकट्ठा गोबर मिल जाता है, अदरवाइज फिर आपको कलेक्ट कराना पड़ेगा। कीमत तो कोई खास नहीं है लेकिन मेहनत का काम है। तो आपने क्या कर रखा, कोई ट्रैक्टर वगैरह रखा? हमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली तो रखते हैं उनसे, वो कर रखे पार्टनर, उनका भी काम चले हमारा भी सस्ते में काम बन गए। हमने तो सर जैसे कमर्शियल लेवल के लिए किया है, जागरूक करने, एक छोटा किसान अगर चाहे तो मतलब कि आप ये लगा लो 50-60 हजार लागत में अपने खेतों के लिए, पर उल्टा नहीं हो जाएगा? एक तो खेत गया बीमारी से मर जाता है या कोई डिजीज वगैरह का रीजन तो नहीं होता इसमें। एक तो होता अगर आप मॉइस्चर अच्छे से मेंटेन नहीं, पानी का छिड़काव गोबर गर्म रह जाता है कई बार, जो ताजा गोबर होता है मीथेन गैस होती है, ताजा जरूरी होता है? नहीं, जितना पुराना उतना बेटर, मीथेन गैस निकल जाएगी फिर वो अच्छा होता है खाने के लिए। आप में से सबसे पहले ये आइडिया किसको आया? क्योंकि आप टेक्निकली सारा नॉलेज आपका, तो ये ऐसा करने से पहले आपने क्या देखा, नेट पे ढूंढा होगा? नेट पे भी ढूंढा, यूट्यूब पे वीडियो देखे, हम एक दो साइट पे होके भी आए, पूछ के आए क्या दिक्कतें हैं, कैसे शुरू किया। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि भाई कोई भी काम करने से पहले हम गोबर कटाई करके बैठ जाए, केंचुए मिले ना तो हमारी जमीन भी मिलेगी। आपको घूमना पड़ेगा, जितना हम घूमेंगे उतना हमें अच्छा ज्ञान होगा, नॉलेज बढ़ेगी हमारी, प्रैक्टिकल नॉलेज का पता। मैं तो सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ आज के युवा को कि भाई बैठे बिठाए कुछ नहीं होगा। अगर आप नौकरी के लिए बैठे चार किताबों को लिए शहर में इधर उधर घूमते रहे ना, ऐसे ही जवानी निकल जाएगी। मैंने देखा है बच्चे लोग 3 साल के लिए पढ़ने के लिए आते हैं और उसके बाद 3-4 साल वो अपने घर वालों को कह लो अपने आप को बेवकूफ बनाते रहते हैं और लास्ट में हम एक ऐसे चौराहे पर जाकर खड़े हो जाते हैं, ना शादी होने की बात होती, घर वाले फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, माँ बाप के जो शब्द है वो सुने नहीं जाते, और युवा को लगता है यार मेरा पैदा होना ही बेकार हो गया, मतलब क्या किया जाए। वो फिर उसकी वजह से डिप्रेशन में भी डिप्रेशन में आता है वो आदमी को, मतलब यंग एज में अगर कोई दिशा ना हो ना तो उसे अजीब सा लगता है कि मैं अब क्या करूँ, कसूर तो मेरा कुछ भी नहीं है। आप लोग फुल्ली क्वालिफाइड है, एमएससी कर रखा, मैथमेटिक्स की ऑनर्स कर रखी है, आपने एग्रीकल्चर भी कर रखी है, आप लोग कंप्यूटर के पढ़े हुए, तो उस हिसाब से हम आपको ये नहीं कह सकते कि युवाओं में कोई कमी है या आलसी है या पढ़ते नहीं है, वो कमी हम नहीं निकाल सकते। लेकिन यथास्थिति हमारी ये है, आज के दिन हम सरकारी नौकरी और मैं तो कहूँगा नौकरी चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना, वो ढूंढना एक बेवकूफ़ी सी लगती है, क्योंकि समय के साथ साथ सारी चीज़ें बदलेंगी। तो अब ये जैसे केंचुए की मान लो हमने कर लिया सब कुछ, तो आपको क्या लगता है कि मार्केटिंग है इसके, मतलब इतनी डिमांड है? हाँ सर, डिमांड मिल जाएगा। आपके गांव में कितने लोग होंगे जो इस केंचुए की खाद को खरीदने? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस बार इस गेहूं के सीजन में 1200 से 1550 kg के कट्टे निकाल रहा हूँ। बताओ 1200 से 1500 कट्टे 50-50 kg 50 kg के एक कट्टे की कीमत कितनी है? 300 रुपए पर केजी, पर 50 kg पर बैग, 50 kg। तो ये अपना जो केमिकल है जैसे यूरिया है या दूसरे सार है उनके कंपेरिजन में सस्ता पड़ता है? हाँ जी सर, सस्ता है। कितना डाला जाता है उसके कंपेरिजन? सर देखा जाएगा हम कंपेरिजन किस वे में कर रहे हैं। एक तो हम खाली उसके नाइट्रोजन भी कर रहे हैं तो उसमें तो दिक्कत हो जाएगी। मैं तो साफ साफ जानना चाहता हूँ, जैसे गेहूँ, एक किले गेहूँ में हम जितना खाद वो नाइट्रोजन और यूरिया और सारा जो खर्चा करते हैं, क्या ये सबका सब्स्टिट्यूट है या ये? नहीं, सबका सब्स्टिट्यूट है, प्लस सब्स्टिट्यूट भी और एलिमेंट्स। एक जो पौधे की रिक्वायरमेंट होती है सर वो 18 एलिमेंट्स है, उसको कार्बन भी चाहिए, बोरोन भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, तो हम दे क्या रहे हैं फॉस्फेट और ये नाइट्रोजन। कोई एक ही चीज बार बार दो घी खिला दिया या निरा दूसरा कोई बाकी चीजें मिल ही नहीं रही।
सबसे बड़ी बात जो नमक होता है ना खेत में, जैसे यूरिया अगर डालते रहे, इसमें क्या गारंटी है खराब नहीं होगी? ये भी वर्मी कंपोस्ट हम डालते रहे 10 साल 15 साल, हाँ तो क्या हमारी जमीन पे कोई असर नहीं आएगा? सर ऑर्गेनिक मैटर पे कैसे असर कर सकते नहीं, क्या हम ऐसे कह सकते हैं या कोई ऐसा तथ्य है हमारे पास? हाँ रिसर्च होंगे सर, इसको रिसर्च है सर, आप उठा सकते हो गूगल से, मैं आपको रेफरेंस भी दे दूंगा सर बाद में उसको। हाँ ये कहना चाह रहे आप कि जैसे जैसे वहाँ नमी लग के हमारी जमीन खराब, इसमें हमारी जमीन को हम कुरडिका खाद में डालते आए थे सर, ये उसका अच्छा वर्जन है। कुरडिका खाद क्या होता है, कुछ गल जाता है कुछ रह जाता है, डिमाइट्स वगैरह सारी चीजें सर, दिमक की दिक्कत रहती है, दिमक की आती थी मेन प्रॉब्लम। तो दिमक हमारी जमीन के लिए नुकसानदायी तो आपका क्या क्या प्रोजेक्ट लेके चल रहे हो? आपने कितने 1.5 एकड़ में बताया ना, अभी 1.5 एकड़ में हमने 8-10 लाख रुपए 8 लाख रुपए लगा दिए, जिस रनिंग कोस्ट भी 8 लाख रुपए लगाए थे हमने, जून 21 को शुरू किया था। अच्छा, इसी साल 3 महीने की प्रोसेस के बाद पूरी हार्वेस्टिंग, पूरा बेड का केचुआ खाद बन जाता है, तो केचुए तो नीचे बच जाते हैं, दूसरे बेड लगा के खाद ऊपर जाता है, खाद उतार लिया, रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है। आपने तो सिर्फ बेड बनाने, और अगर करते करते आपने केचुए बहुत सारे हो गए और बेड फालतू नहीं हुए तो क्या करेंगे? केचुआ भी तो बेच सकते हो, फिर आप यहीं के यहीं मार्केटिंग कैसे पता लगेगा आपने ऐसा कर रखा है? हमने सोशल मीडिया के थ्रू से बेचारा किसान कहाँ सोशल मीडिया पे, जैसे आप आपके पास आए तो हमारे से 4 किलोमीटर गांव वहाँ पे बैठे हुए थे बुजुर्ग वगैरह, हम उनके पास गए, हमने उनको बताया, बोले ठीक है भाई हमें नहीं पता था, आप पता चल के आएंगे। हाँ कन्विंस करोगे आप, दिखाओगे। मैं तो कहता हूँ आपसे कंपोस्ट खाद ना बना के साथ में एक एकड़ में दो देखिए जो हमारा गरीब किसान है ना जिसके पास 2-3 एकड़ जमीन है, उसको भरोसा दिलाना बड़ा मुश्किल सा काम है, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता बेचारे के 10-20 मिनट गेहूं होने उसमें आप रिसर्च में लगा दे बढ़ा जाएगा। तो सर फिर किसान की एक सोच हमारी ये भी हो जाती है कि मैं ही क्यों बर्बाद हूँ, सब मजे ले रहे हैं, हर इंडस्ट्री मजे में चल रही है आज। देखो 2-3 चीजें सबको मालूम है, लेकिन वही है कि भगत सिंह मेरे घर में पैदा क्यों? भाई जमीन धरती माता है, इसको बचाना हमारा फर्ज है, इसमें केमिकल नहीं डालने चाहिए, बड़ी बड़ी बात है कि लेकिन कोई ये भाई खाद मत डालते रहे थोड़े से कम होंगे तो ये भी लौटे रहे, वो सिर्फ धरती माता के लिए नहीं सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी है, तो है उसमें से जो भी उपदेश हमें तो हमें खिला रहे हैं, जब भैंसों को भी खिला रहे हैं, भैंसों का अल्टीमेटली जो इफेक्ट्स है उनके बहुत ज्यादा हमारे पास दूध के दरबार है। देखो ना आज से जैसे हम जिस जनरेशन से हैं, हमने तो कभी मिलावट की चीज को खाई ही नहीं, हमें तो ये ताकत है जिसमें भाई खाने की चीज में मिलावट भी कर दी, इससे बड़ा कोई पाप नहीं, और आज मुझे लगता है ऐसा कोई पाप नहीं बचा जो हम ना करते हो खाने के, उसमें सारी तो चीजें चल रही है, मसाले जैसे चल रहा है अभी कैंसर का चल रहा है सारा उसी का है, आम बात है, वो मेन है ग्लाइफोसेट करके अपना शॉर्ट करके आती है, हर कंपनी बनाती है, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज में वो ग्लाइफोसेट बैन है, टोटली बैन। ऐसी तो मुझे लगता है आप मेरे से ज्यादा जानते हो, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं 128 वो ये तो ग्लाइफोसेट में आपको नॉर्मल बता रहा हूं, इसको हर किसान भी जानता है, ग्लाइफोसेट जो डोड़े वाली स्प्रे जिसको बोलते हैं खरपतवार के लिए। मैं कहीं पढ़ रहा था कि भाई पहले हम जब जवान थे तो खेत में भेजे थे भाई तू डोड़ी लग बना तो कसी लेके डोड़ी, और अक्सर झगड़े इसी पे होता था, मैंने काट ली भाई, अब कहते हैं उसको छेट के वही घास घास नहीं, वो एक किस्म की फसल तो है, चारा है भाई, वो कोई गाय भैंस वहां खाती उसे या इस तरह से आप जला रहे हो तो जिस चीज से पौधा जल रहा है तो जमीन पे भी नेचुरली जमीन पे असर आएगा, और वो ऐसा नहीं आप एक बार ही करोगे मेरे घर में वो फिर उगेगी। इसीलिए हमारा खेत है ना आम खेतों से ऊंचा है ताकि पानी ऐसा होना चाहिए जिसमें, और उसके अलावा भी एक ड्रेनेज की फैसिलिटी एक्स्ट्रा उसको सेफ्टी के तौर पे पानी अगर भर जाए तो निकालने के लिए रखनी चाहिए। हमारा माल कहाँ निकलेगा, कौन हमारी मतलब टारगेट मार्केट के साथ एक्सपेंड भी है, आप 2-2 मिनट में ना सारे लोग मुझे ये बताओ आज के युवा हो, मुझे लगता है आप 30 से साढ़े नीचे हो,
तो किसी एक ऐसे यूथ को जो आज ग्रेजुएट हो गए तैयार है, चाहे वो एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट है, कंप्यूटर का है, या भाई को टेक्निकल है, या मैं तो कहूंगा जो बीए पास है, उसको आप क्या कहना चाहोगे कि ऐसे समय में हमने गलतियां कर दी, बहुत सारी टाइम हमने शायद वेस्ट कर दिया, ये काम जो आज आप कर रहे हैं ये इमीडिएटली ग्रेजुएट होते ही करते तो शायद और भी अच्छा होता। तो आप एक एक करके बताओ कि आज के युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। हम तो पुराने लोग हैं, हम तो पुरानी पुरानी बातें बता सकते हैं, ये कह सकते हैं भाई मेहनत करनी चाहिए, जब तक लगन से निकलोगे कहीं कुछ नहीं मिलेगा, नौकरी के भरोसे मत बैठे रहो, सरकारी तो खत्म ही हो गई, सरकारी चाहे ये है चाहे दूसरी है, और ये किसानों की आय डबल कर देंगे ट्रिपल कर देंगे, फालतू की बकवास है, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। वो एक अलग बात है कि भाई हमारे जो उपज है उसकी ठीक कीमत मिलनी चाहिए, उसके लिए हमें सारे प्रबंध भी करने चाहिए, हमें जागरूक भी होना चाहिए, लोगों को बहकाव में भी नहीं आना चाहिए, ये बातें तो हम बता देंगे, पर एक जो युवा निकल कर आता है उसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उसे क्या करना चाहिए इसके हमारे वाले बिजनेस के लिए? तो हम सर ये कहेंगे कि अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है और आप कर सकते हो मेहनत, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत कुछ नहीं होगा, ये नहीं है कि जो आप अलग खाद बना दे और आप बेच दो, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आओ साइट पे, आओ हमें देखो, पूछो, हम बताएंगे, और आप ये बिजनेस कर सकते हो, बहुत अच्छा है, हर तरफ से अच्छा है। आप एक तो अच्छा ही खाद के लिए देश के उसमें अच्छा काम कर रहे हो, धरती के लिए अच्छा कर रहे हो, अच्छा धरती होगी तो अच्छा खाना होगा, अच्छा खा पाएंगे। अभी गाँव में कहाँ बीमारी होती थी, अभी तो कैंसर भी आ गया गाँव में, तो कोई ऐसी बीमारी नहीं चल रहा हो। तो ये है, अगर आपका मन है बिजनेस करने का तो अच्छा बिजनेस है मन में, अगर आप करना चाहो तो ये है, और नहीं करना तो उसको तो कोई मेहनत नहीं करना चाहता। अभिषेक हमें बताओ भाई कि क्या मेहनत करना बिजनेस करना ये नहीं सर, मेहनत करना बिजनेस करना तो नहीं हो सकता कभी। मेहनत बिजनेस एक हो गया, व्यापार हो गया, अब हम इसको बिजनेस भी नहीं कह सकते सर अच्छी तरीके से, क्योंकि जो हम बेच रहे हैं, हम 6 रुपए किलो निकाल रहे हैं किसान के, अगर हमें बिजनेस करना होता तो यही जो हमारा बिक रहा है ये 15 से 20 रुपए किलो मार्केट रेट में आपका बिक रहा है। देखो कितना कितना मतलब वो मार्च हो गया कि हम बिजनेस का मतलब बेईमानी से लगाएंगे। हाँ जी बिल्कुल सर, यही ना। अभी मैं देख रहा था कि गेहूं का जो भाव है और आटे का जो भाव है उसमें मल्टीपल हो रहा है, तो ये बिजनेस के नाम पे जो ट्रेंड है वो कर रहे हैं ना, इतना प्रॉफिट सर देख हम लेते हैं कि हमारी मेहनत का पैसा हमारे पास है। वो तो जब तक नहीं करोगे तो आप काम नहीं, जब तक सर आउटपुट नहीं आएगा तो मैं आगे कहाँ से लगाऊंगा सर। मतलब ईमानदारी से अपना ईमानदारी से और लोगों को जो सच्चाई है वो बताओ तो बिजनेस कोई भी हो चलते हैं, और ये भरोसा खास तौर पर गांव के उसको। मैं आज ही देख रहा था करनाल का कोई किसान है, उसके पास 1.5 एकड़ था, उसने वो खेती वेती छोड़ दी, जलेबी बना रहा है। अच्छा। वो कहता जब एक रेडी लगाने वाला शाम तक 1000-1200 रुपए बना के लिए करता है तो मैं क्यों नहीं, और मेरे पास तो शुद्ध सारी चीजें हैं, सब चीज घर की है, और मैं मेहनत यहाँ करूंगा, ट्राली में लगा बैठा। तो बिजनेस का मतलब है एक किस्म से अपनी नेक नियति से हमसे मेहनत करना, वो अगर हम करते हैं तो फिर भाई अच्छा प्रोडक्ट भी देना प्लस में बढ़िया चीज। तो पुराने जमाने में यही तो था, मुझे याद है हमारी आज भी 60 तो नहीं कहूंगा मैं, 40 साल पुरानी बात मुझे आज भी याद है, गांव में जो घी लेने आता था बढ़िया, तो हर औरत की एक रेपुटेशन होती थी, ये जो ताई है इसका साफ सुथरा मिलेगा, इसके में खट्टा नहीं मिलेगा। तो ये भी एक उसी तरह की बात है, जब भी आप कोई काम करते हैं अगर मन लगा के मेहनत लगा के हम करते हैं तो रेपुटेशन धीरे धीरे बनती है, कामयाबी होंगे सर उसमें, अगर युवा की जो एनर्जी है एक दिशा में लगेगी, सेंट्रलाइज होकर ठीक जगह लगती है तो वो 101% रिजल्ट देगी ही देगी किसी। वो जब मैं ना नेकी गांव में प्रिंसिपल था तो आपकी सेहत को देखकर मुझे ध्यान आया, 6 फुट का लंबा तगड़ा लड़का अच्छी बड़ी ड्रेस में ना, वो कहता है सर कर दो ना जी, अभी क्या करना है, किसान एडमिशन कर दो ना, एक री आई हुई है। अच्छा। मैंने कहा भले आदमी तेरी इतनी बढ़िया सेहत, भगवान ने इतना अच्छा दिमाग दे रखा, बढ़िया गाँव में तू खाना खाता है, माँ बाप ने तेरे को सारे साथ सज्जा दे रखे, जूते कपड़े सारे चीज, तू फंस क्यों आ गई भाई तेरी, तो मेहनत नहीं की ना, तो लाइफ में जिस भी इंसान को चाहे वो बच्चा है चाहे बच्ची है चाहे बड़ा, जब तक ये बात समझ में नहीं आती कि मेहनत करके कमा के खाना, तब तक मुझे लगता है आप क्या कहना चाहेंगे। मैं ये कह सर मेरे स्पार्क कनेक्ट नहीं है बिल्कुल भी, अगर किसी फील्ड में अगर आदमी मेहनत करे तो मतलब पीछे नहीं रह सकता, चाहे पढ़ाई हो चाहे बिजनेस हो। तो मेहनत नौकरी में कर लो, नौकरी भी सर ऐसे है जैसे कोई 12th पास किया ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद दो तीन साल अगर आदमी तैयारी कर ले ठीक है, अगर आदमी को सफलता मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आदमी खुद काम भी
कुछ कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं जब नौकरी लगा रहा तो ये सोचा करता यार मैं कितनी मेहनत कर लो, कितने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा लो, कितने न्यूमेरिकल करा लो, तनख्वाह तो उतनी ही मिलेगी जितने हिंदी के प्रोफेसर को मिलती है। तो मुझे एक ये अलग से बात दिखाई देती है कि बिजनेस में आप जितनी मेहनत करते हो ना उतना आउटपुट भी बढ़ता है। जॉब में ऐसा नहीं है, कोई गलत बात है, कोई हेरा फेरी भ्रष्टाचारी नहीं कर रहे, लेकिन नेक नियति से आप किसी भी सर्विस में काम करोगे तो उसमें सैलरी नहीं बढ़ सकती, वो तो वही ग्रेड मिलेगा, वही पैसा मिलेगा जो सबको। बिजनेस में ये है कि भाई आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा रिजल्ट आएगा। तो आप जैसे युवाओं के साथ बात करना भाई मुझे हमेशा अच्छा लगता है, और बेशक हम युवा नहीं है लेकिन 35 साल तक युवाओं के बीच में रहे तो उनके दर्द को मुझे लगता है औरों से मैं ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। इसीलिए कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे से इस तरह का कोई संपर्क में आता है मैं चाहता हूँ वो बात सबके सामने जाए और लोग भी मोटिवेट हों और भी आप लोगों की तरह से मेहनत करें। आप आए मेरे पास, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप